एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता ही है कि जामिया का फॉर्म रिलीज कर दिया, ओपन कर दिया गया है। आपको पता कैसे चलेगा, इस वीडियो में दो तीन बातें बताएंगे, फॉर्म्स को लेकर बात कर लेंगे और आपका किस किस डेट में कौन सा कोर्स का किस डेट में एंट्रेंस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए गूगल पर जाना होगा, सर्च कर लेना होगा JMICUE। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। लेकिन यह कि आप लोग ये गलती कर रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि हिस्ट्री जो है गूगल हिस्ट्री जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके अपना हिस्ट्री क्लियर करें, तभी आपको मोबाइल के एडमिशन वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें शो करेगा। जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रॉस्पेक्टस 23-24 का आइकन आ चुका है। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करने का ये लिंक है। UG के अंदर जितने भी कोर्स हैं जामिया में, PG के अंदर जितने भी कोर्स हैं, BTEC, BR, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इन सभी के फॉर्म फिल करने के लिए यही लिंक है। इसी लिंक के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी इसके नीचे वो काम की चीज़ें नहीं है, यही दो चीज़ें अभी की सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये रहा। अब UG के अंदर जैसे BA पॉलिटिकल साइंस, BB BCOM, BLLB और भी कोर्स हैं। PG के अंदर MA या MSW, ये सभी कोर्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो इन सारे कोर्स का एक ही लिंक है, एक ही लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट स्कूल का, क्योंकि स्कूल का जो फॉर्म है वो 15 मार्च से अप्लाई होंगे। तो उसके लिए 15 मार्च से जो है आपको लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि ये जो दिख रहा है आपको सिंपली क्लिक करना है। 23-24 दिख रहा है कि नहीं, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हम कुछ कुछ सेपरेट PDF डाल देंगे, जैसे टेस्ट का PDF सेपरेटली डाल देंगे, कोर्स का स्पेसिफिक डाल देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी देखिए, मैंने जैसे ही जब ये डाला है, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद। डाउनलोड हो जाने के बाद देखिए, एक सेकंड, डाउनलोड करके जैसे ही जब इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आइकन, ये रहा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस। इसमें इन्होंने दो चीज़ों को रखा है, एक मास कम्युनिकेशन और RCA वाला का जो फोटो इस बार लगा दिया है, थोड़ा सा यही चेंज किया है। बाकी जैसे लास्ट का प्रॉस्पेक्टस था ऐसे इस बार का है। फॉर्म अप्लाई होने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 3rd मार्च आज से स्टार्ट हो चुका है। कैसे फिल करना उस वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वरना आप यूट्यूब पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर देख सकते हैं। थर्ड ये कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट 3rd अप्रैल है, करेक्शन करने का जो है 4th अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में करेक्ट कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड जो है 10 अप्रैल के बाद से आना शुरू हो जाएगा, और टेस्ट जो है 15 अप्रैल से कह लीजिए कि 15 मई या 20 मई के आसपास आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है एडमिशन क्लोजिंग डेट जो है 30 सितंबर रखा गया है। ये खैर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जो मेन इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको कहने वाला हूँ कि भाई, बाकी तो है कि आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेगा तो आपका ही नुकसान होगा, लेकिन आप जो है एक बार देख कर पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं जिसके वजह से आपका सिलेक्शन होंगे, तो इन सबका भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, हम सबसे पहले कहाँ आते हैं, पेज नंबर मैं आपको रिमाइंड कर दूँ। पेज नंबर जो है फाइनली आप कहाँ से आएंगे, पेज नंबर 55 पे आएंगे। अब हम एक एक करके एंट्रेंस का डेट जान लेते हैं। अभी हम मास्टर्स में चले तो सिर्फ कोर्स का नाम ले लेंगे। जैसे अरबिक की बात करें तो 20 अप्रैल को, 19 अप्रैल को इस्लामिक स्टडी, पर्शियन का CUET के थ्रू होगा, मतलब CUET PG के थ्रू होगा, तो उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। उर्दू में जो है टेस्ट होगा 28 अप्रैल को, इंग्लिश का 21 मई को होगा, 27 अप्रैल को MST, हिंदी का जो है 27 मार्च को पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट से बात करें मास मीडिया MA मास मीडिया की बात करें तो 8 मई, 20 मई को MA इकोनॉमिक्स, MA पॉलिटिकल साइंस 3 मई को होगा, MA ह्यूमन राइट्स का अगर बात करें तो 2 मई को होगा, 2 मई को ही MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA सोशियोलॉजी का 4 मई को होगा। बाकी जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये सोशल वर्क का, 21 मई को होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट का भी 21 मई को होगा, टाइमिंग अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अप्लाइड साइकोलॉजी का 20 मई को, 8 मई को MA एजुकेशन, एजुकेशन प्लानिंग का जो है ये CUET में होगा, यानी CUET के पेपर देना पड़ेगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करें मीडिया गवर्नेंस का 15 अप्रैल को, 25 अप्रैल को MA कॉन्फ्लिक्ट, मास कम्युनिकेशन 17 मई को, और 17 मई को ही कन्वर्जेंट एंड जर्नलिज्म होगा, टाइमिंग अलग अलग रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट का तो 19 अप्रैल को रखा गया, विजुअल इफेक्ट का 18 अप्रैल को, MA अर्ली चाइल्डहुड का 11 मई को रखा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें MSc फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स का जो पेपर है वो 18 को रखा गया है, बाकी इन कोर्स का 15 अप्रैल को रखा गया है। मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस 18 अप्रैल को, 25 अप्रैल को बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक हो गया। अभी तो हम PG कोर्स का दिखा रहे हैं, फिर UG कोर्स का दिखाएंगे। इसके अलावा बायो साइंस की बात करें 19 अप्रैल को ही बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी 20 अप्रैल, 10 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc मैथमेटिक्स 17 अप्रैल को पेपर होगा। इसके अलावा MSc ज्योग्राफी 26 अप्रैल,
4 मई को होगा एमएमएससी डेवलपमेंट, एमएड का पेपर 9 मई को होगा, एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वीडियो में मैंने सारे डेट बता रखे हैं। एमएड का जो पेपर है 8 मई को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएड स्पेशल एजुकेशन का तो 20 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएससी बायोफिजिक्स का तो 15 अप्रैल को होगा। बाकी फाइन आर्ट्स के कोर्स अगर हम बात करें तो पेंटिंग का जो है 16 मई को ही, स्कल्पचर का अप्लाइड आर्ट का 17 मई को होगा, 18 मई को आर्ट एजुकेशन, ग्राफिक का 11 मई को, 12 मई को होगा एम ए आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट अप्रिसिएशन, ये हो गया। इसके अलावा एमटेक में इंजीनियरिंग सेक्टर में 9 मई को होगा, इस कोर्स का 18 मई को और इसका जो है 16 मई को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमटेक का, इन सारे कोर्स के लिए एक ही पेपर होता है, 19 मई को होगा, और 17 मई को एमटेक अर्थक्वेक, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी का 10 मई को पेपर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें ये सारे एमटेक का पेपर है, इनका 17 मई, इनका 19, एलएलएम का पेपर 4 मई को होगा, 21 मई को एमसीए का पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीए का पेपर जो है 20 मई को पेपर हो रहा है, और एमबीए एग्जीक्यूटिव का जो है 17 मई को हो रहा है पेपर। एमकॉम की अगर बात करें तो 28 मई, और एमपीटी का 1 मई को होगा। आर्किटेक्चर से रिलेटेड 19 मई को पेपर होगा ये सभी सारे कोर्स का। इसके अलावा जेंडर स्टडीज से 9 मई को, 18 अप्रैल को एमए पब्लिक इंटरनेशनल एरिया स्टडी, सोशल एक्सक्लूजन का 10 मई को, 17 अप्रैल को एमए इंटरनेशनल 15 मई को होगा, सॉरी 17 अप्रैल था। इसके अलावा एमटीटीएम का 4 मई, एमए संस्कृत सीयूटी के थ्रू, एमएससी डिजास्टर ये भी सीयूटी के थ्रू होगा। इसके अलावा एमटीटी मास्टर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस 8 मई को होगा, 28 मई को कंपेरेटिव एनर्जी साइंस टेक्नोलॉजी का 12 मई, 11 मई को एमटेक कंप्यूटेशनल माइक्रोबायोलॉजी का 20 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो एमएससी बैंकिंग 20 अप्रैल और 12 अप्रैल को एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का होगा। अब आते हैं अगले पे, मास्टर डिजाइन में बात करें 18 अप्रैल है, 18 मई है, इन सभी का पेपर इस डेट में होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें एमबीए का तो इसमें 17 को और ये 16 को, और ये वायरोलॉजी का जो है वो 16 मई को होगा, इस बार न्यू कोर्स ऐड हुआ। अब तक मैंने ज़्यादातर मास्टर कोर्स का दिया, पीजी कोर्स का है, पीजी डिप्लोमा वैसे ही देख लीजिए, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लीजिए सही। अब इसके बाद जो बैचलर कोर्स है हम उस पर जा रहे हैं, बैचलर कोर्स फाइनली अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो अब हम यहाँ से बैचलर कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अरबिक में जिनको लेना है उनको 26 अप्रैल को पेपर होगा, टेस्ट देना पड़ेगा, और ये सारे टेस्ट जामिया दिल्ली में होंगे। इस्लामिक स्टडीज 27 को, पर्शियन और उर्दू सीयूटी में जा चुका है, सीयूटी के थ्रू देना पड़ेगा आपको। इंग्लिश के लिए 28 अप्रैल रखा गया है, 28 अप्रैल को आपका पेपर होगा। होटल बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इन दोनों का पेपर जो है 1 मई को होगा और 2 मई को विवोक फूड प्रोडक्शन को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो मास मीडिया का 28 मई को, बाकी हिस्ट्री फ्रेंच स्पेनिश इन सभी में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी सीयूटी का देना पड़ेगा। बीबीए बीकॉम के लिए 29 अप्रैल को पेपर है, जामिया का देना पड़ेगा, जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का पेपर एक ही डेट में होगा, 6 मई को होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है 29 अप्रैल को है, बीएससी का जो पेपर है वो 26 मई को है, और विभोग सोलन सेल्फ फाइनेंस के नाम से ये भी सीयूटी के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सभी सीयूटी के थ्रू होंगे और सीयूटी का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये दोनों जो है सीयूटी के थ्रू ही होगा। बायोसाइंस और बायोटेक्नोलॉजी भी सीयूटी के थ्रू ही होगा। इसके अलावा जो फाइन आर्ट के कोर्स हैं जैसे अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, ये इन सभी का अलग अलग डेट दिया गया है, जैसे 12 मई, 18 मई, 16 मई और 17 मई को आपका पेपर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैचलर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का तो 4 मई को रखा गया है, 11 मई को बीएससी एरोनॉटिक्स रखा गया है। बीटेक का अगर हम पेपर बात करें तो इसका जो है जेई मेन के थ्रू होगा, तो जेई मेन के बेस पे जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे, मेरिट बेस पे आपको जामिया का फॉर्म फिल कर देना है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। बीडीएस को सेम, अब इसको बीआर की बात करें तो ये उसका अलग है। बीएड की अगर बात करें 21 मई को पेपर होगा, पेपर कोड देख लिए। बीएड स्पेशल के लिए 4 मई को बीएड स्पेशल एजुकेशन का, बीएड नर्सरी एजुकेशन का 8 मई को, बीपीटी का 2 मई को पेपर होगा, और बीएलएलबी का जो है 6 मई को होगा, और टर्किश लैंग्वेज के लिए आपको सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। बाकी बियॉन्ड हिंदी में अगर बात करें तो सीयूटी है, संस्कृत भी सीयूटी के थ्रू में है। विवोक मेडिकल इसमें जो है 25 को पेपर होगा, मार्च को। बीए ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज जो है सीयूटी आपको देना पड़ेगा, और इस बार सीयूटी में लगभग 15 कोर्स जा चुके हैं ये। बाकी एडवांस पीजी डिप्लोमा के कोर्स हैं ये सभी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो पेपर है वो 15 मार्च को होगा पेपर, जो कि बड़ा कम टाइम मिला है। डीएलएड का जो पेपर है वो देख लीजिए, वो इस डेट में होने जा रहा है, ये होगा इस बार, ठीक है। बाकी डीएलएड यूनानी का 27 अप्रैल को होगा और 9 मई को होगा डीएलएड का।
बाकी यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ज़्यादातर मैंने कोर्स का बता दिया है। बाकी और भी आने वाले टाइम में अलग अलग टाइप से वीडियोस बनाते जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं एट द एंड में इन्फॉर्म कर दूँ, जिस किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को लाइक बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मास मीडिया और हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, या ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी का, तो इसके लिए स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स बेसिकली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्टेड है, आप भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन करिए, बहुत ही नॉर्मल चार्ज पे, अराउंड 2000 पे आपको कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।